अच्छा तो गाइस आज मेरा दिमाग खराब हो चुका है, तो गाइस आज मैं अपने हफ्ते वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि गाइस मेरे घर में थोड़ा सा कुछ काम चल रहा है, बस कुछ नहीं, बस घर के अंदर में थोड़ा सामान वामान। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि नया घर है तो बस मैंने सामान वामान तो ले लिया, बस उसको बस सामान वामान रखना है, कुछ नहीं बस यही। तो गाइस पहले चलते हैं। तो गाइस कल तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए तो माफी मांगता हूँ मैं। गाइस थोड़ा सा काम था मेरे को कल, इसी वजह से मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। तो गाइस मैं वीडियो आज इस प्रकार से बना रहा हूँ कि गाइस अभी गाड़ी चलाते चलाते गाइस में थोड़ा वो हो जाता है, क्योंकि गाइस ये गाड़ी बहुत बढ़िया है ना, एक तो कहीं भी रुकती हूँ, एक मतलब कहीं भी फंस जाती है, एक तो हमारी मुश्किल होता है गाइस कहीं भी ये गाड़ी फंस जाती है, तो गाड़ी है कि एक से बैग भी नहीं होती ना, वो होती है। तो सोचो कि मैं बस जितनी बात है क्यों करना है मुद्दे पर, तो करना। तो गाइस तो आज मैं एक बाइक लेने जा रहा हूँ, बस देखता हूँ क्योंकि गाइस गाड़ी को इतना ज़्यादा सफ़र तो होता ही, बाइक होता है गाइस थोड़ा बहुत मतलब स्पीड भी पकड़ती है, बात तो सही है। गाइस ज़्यादा थकती नहीं है गाड़ी, है कि गाइस ये तो ड्रिफ्ट बहुत खाती है, इसके कारण एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस बाइक लो, बाइक में एक अलग पेशन है गाइस, जो कहो तो चूज करेंगे। सोच रहा हूँ गाइस जो मेरे दोस्त को बर्थडे में गिफ्ट दिया था KTM, वही ले लूँ। वैसे गाइस KTM तो काफ़ी महंगी आती है, अभी तो मेरा बजट गाइस 1.5 लाख है, उससे ज़्यादा तो है नहीं गाइस, गरीबी चल रही है। मैं गरीब हूँ, हाय गरीबी। ओ गाइस इतना ठुकता है यार, मेरे को तो लग रहा है शोरूम जाते जाते गाड़ी कवाली बन जाएगी, रास्ता भी गाइस इतना दूर है। तो गाइस बिना किसी बात करते ही गाइस सबसे फटाफट से आपको शोरूम में लगता हूँ। वो गाइस मेरे घर ही आ गए मेरे गांव। अरे यार ये कितना छुपा है, जरा सा नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो गाइस शोरूम आ रहा है, तो शोरूम पहुंच चुका हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे बाइक्स हैं। तो पहला ये कोबरा 95 है, ये तो बाइक औकात से बाहर है, इतनी महंगी है। और दूसरा कौन सी बाइक है, इसे क्रोम बाइक कहते हैं, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। ये तो गाइस 9 लाख से भी ऊपर, मतलब 16 लाख से ऊपर। और ये कौन सी बाइक है, ये देख क्या बाइक, ये भी गाइस काफ़ी महंगी है। स्प्लेंडर लूँ, स्प्लेंडर भी यार अच्छा लगूँगा। तो अरे यार KTM गाइस यहाँ देख सकते हो, KTM तो गाइस ये भी बस नहीं 2 लाख रुपये, बस मेरे पास तो सिर्फ 1.5 लाख रुपये है, और ये भी गाइस महंगी है। अपाची भी गाइस होगी लगभग 50-60 हज़ार रुपये की, तो कौन सा ले, ओ बाइक गिर गई अंकल सॉरी। तो गाइस स्प्लेंडर लेते हैं, तो गाइस इसका कलर मुझे सही लग रहा है, तो दूसरा कलर करवा लेते हैं। तो स्प्लेंडर का ऑर्डर फाइनली मैंने स्प्लेंडर बाइक कर लिया, और कलर भी अपने पसंद का करवा लिया रेड। तो चलते हैं गाइस अपने घर, तो ये अंकल जो है हमारे घर को ले जाएंगे स्प्लेंडर। तो जल्द से जल्द चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो गाइस। तो चलते हैं अपने घर गाइस, अपने फॉर्च्यूनर तो अपने घर पे ही रख के, मतलब फॉर्च्यूनर तो वहीं पर रख के आ गया था। अरे कैसे चला रहे ट्रक वाले, आने वाला है तो यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है, सॉरी राइट लेना है, और उसके बाद आपको राइट लेना है।
कैसे चला रहे यार, एक्सीडेंट कर रहे खाना का। ये अंकल को यार सही से ड्राइविंग नहीं आती, ये मेरे स्प्लेंडर को यार तबाह ना कर दे घर में ले जाने से पहले। ठीक से चलो, आराम से चलो, आराम से। करीबन गाइस 70,000 रुपये का स्प्लेंडर आया है मेरा, आज कुछ नहीं तो बस यही है मेरा घर, बस बस नहीं रुक रही रुक दो। उसके बाद गाइस तो भाई इज्जत से अपने स्प्लेंडर को उतारते हैं, तो गाइस अपनी स्प्लेंडर उतर गई है, तो कमेंट करके बताओ गाइस आपको ये स्प्लेंडर कैसी लगी, कमेंट से भर दो गाइस। तो अपने घर ले जाते हैं, तो थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव करते हैं, क्योंकि टेस्ट ड्राइव तो बनता ही है गाइस। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।